Welcome learners to One Academy. So today in this session we are going to discuss how to secure rank under 100 gate now. तो इन जस्ट हम 7 मिनट्स में इसको डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज का कलेक्शन होना चाहिए. अब वो बेस्ट रिसोर्सेज बुक्स भी हो सकती है, कोई सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म का, लाइक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हो सकता है. बट मैं आपको बता दूँ, कोई भी रिसोर्स बेस्ट आपके लिए तब बनता है जब वो रिसोर्स से आपको चीज़ें समझ में आए, आपका डाउट क्लियर हो और आप अच्छे से उन चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने माइंड से. पहली बात ये है कि अगर आप कोई बुक को परचेस करते हैं और वो बुक आपको अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली, देयर इज नो डाउट, देन 100% दैट बुक इज बेस्ट फॉर यू. बट अगर आप उस बुक को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, टॉपिक जो 1 घंटे में पूरा हो सकता है उसको 6 घंटे लगा रहे हो, या फिर आपको हो सकता है कि आप स्टक हो रहे हैं, तो उस केस में आपको कोचिंग की तरफ चले जाना चाहिए. बट कोचिंग में बहुत सारे टाइप की कोचिंग होती है, जस्ट ट्राई वो कोचिंग को ट्राई कीजिए. जो कोचिंग की फ्री क्लासेस आपको पहले समझ में आ रहे हैं वो देख लो, फ्री क्लासेस को जाकर के चेक कर लो. अगर वो आपको समझ में आ रही है दैन इट्स बेस्ट टू गो फॉर इट. कोचिंग में आपको जो टॉपिक आप खुद से 6 घंटे में पढ़ रहे हो वो एक टॉपिक आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो. अगर आपको उस कोचिंग की फ्री क्लासेस समझ में आती है तभी आप उस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए. अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर फ्री क्लास में जाकर के देख लीजिए जो कंसेप्चुअल वाली हो, और आप देखिए कि आपको वहाँ की चीज़ समझ में आती है, तब जाकर के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हो. बिकॉज टाइम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मनी. अगर आप टाइम सेव कर सकते हो थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करके, तो आपको 100% सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. दूसरी बात ये है कि अगर आप बेस्ट रिसोर्सेज ले लेते हैं पर उसका यूज़ नहीं करते, उससे आपको 0% सक्सेस मिलती है. कहने का मतलब ये कि आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर आप कोई बुक परचेस कर रही है पर आप उसका अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आपको सक्सेस की तरफ 0% भी ले सकते जा सकती है. ऑब्वियसली आपने यूज ही नहीं किया सब्सक्रिप्शन, ऐसा थोड़ी नहीं कि सब्सक्रिप्शन ले लिया आपका हो गया ये एग्जाम क्रैक. नो, यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट प्रॉपरली. अब नेक्स्ट है कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो लेट्स सपोज, पर आप उसका यूज कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, कभी आ रहे हो क्लास में कभी नहीं आ रहे हो, कभी नोट्स बना रहे हो कभी नहीं बना रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर उस केस में भी आपको सक्सेस सिर्फ 20% ही मिल पाएगी. अगर आपको 50% सक्सेस चाहिए, मान लीजिए 100 में से 50 marks चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब आप कोशिश बेस्ट रिसोर्सेज के साथ करें. थोड़ी सी कोशिश तो दो, डेली लाइव क्लासेस आओ, डेली प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेली आप रिवाइज करो 2 बार जो टॉपिक आपने आज पढ़ा जो कल पढ़ा था, फिर आप यू नो मंडे टू फ्राइडे आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल रहा है उसको सॉल्व करो, फिर मंडे टू फ्राइडे आप शॉर्ट नोट्स को बनाओ प्रॉपर नोट्स से, लास्ट 20 ईयर्स की गेट रिवाइज सॉल्व करो, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज करो, उस पर टेस्ट दीज दो. ये होती कोशिश कि डेली टू डेली बेसिस पे आप ये काम कर रहे हो, लगे हुए मतलब आप कभी रुक नहीं रहे, दैट इज कोशिश. और फिर अब अपना बेस्ट दो. अब बेस्ट कैसे देंगे, अपना बेस्ट देंगे जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो आप उसकी डिटेल्ड स्टडी करो ताकि वो गलती दोबारा ना, तो जब आप ये इंश्योर करते हो कि वो गलती अब दोबारा रिपीट नहीं करोगे, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर बेस्ट. और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो या फिर आप गेट के PYQ में कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कर रहे हो, कंसेप्ट पढ़ने में कर रहे हो, मिस्टेक बुक में लिखो अपने मिस्टेक्स को और उन मिस्टेक्स की डिटेल्ड स्टडी करो. नेक्स्ट है कि आप अपना 100% सक्सेस तभी हासिल कर सकते हो जब आप टाइम से आगे चलो. अपना 100% आप तभी दोगे, जैसे मान लेते कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक आपका जैसे डेली आप 6 घंटे पढ़ते हो पर आज का जो टॉपिक था वो 3 घंटे में ही कवर होंगे, तो बाकी के 3 घंटे आप छुट्टी बनाओगे. ऐसा ना करके उन बाकी के 3 घंटे को भी आप यूटिलाइज कर लीजिए दूसरे कंसेप्ट को पढ़ने. तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर लाइफ में लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, तो कभी कोई अगर दिक्कत आती है, इमरजेंसी आती है, आपकी हेल्थ इशू हो गई, तो आप टाइम से क्योंकि आगे चल रहे थे इस वजह से अगर आपके दो तीन दिन या 1 सप्ताह मिस हो भी जाती है प्रिपरेशन में, तो आप पीछे नहीं होंगे, आपकी प्रिपरेशन में वो कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी. तो ये चीज़ है.
लास्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अन अकेडमी से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि गेट 2025 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 31 जुलाई से संकल्प बैच, जहाँ पे मैं एल्गोरिथम का कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रही हूँ, और प्रेरणा बैच गेट 2026 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं 31 जुलाई से, जहाँ पे अगेन हम एल्गोरिथम का कोर्स ला रहे हैं। गेट 2027 के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है विद द सेम सब्जेक्ट। अभी मेरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डेटा स्ट्रक्चर की शाम की क्लास दोनों लाइव चल रही है, और अभी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में एक ऑफर चल रहा है जो ऑफर आज आपका खत्म हो जाए। इस ऑफर में 9 मंथ्स का प्लस आप 10,000 में आज अवेल कर सकते हो, जो कल 20,000 का हो जाएगा। दिस इज बेस्ट फॉर गेट 2025। और आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड HELLO2401 यूज करें ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल जाए, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ ताकि आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाए। अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है 36,000, पर आज आपको ये 18,000 में मिल जाए। और गेट 2027 के लिए आप 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है 42,000, पर आज आपको ये 21,000 में मिल जाए। तो ये प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स भी मिलते हैं जो प्लस में नहीं मिलता। प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है। टुडे लास्ट डेट इज ऑफर का, तो जल्द से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, यूज करें रेफरल कोड HELLO2401, क्योंकि इससे से आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, और आप वीकली मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो मेरे द्वारा होता है उसको ज्वाइन कर पाएंगे और ये सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे। और ये फीडबैक के लर्नर्स का तो पढ़ सकते हैं, सारे लर्नर्स अनअकैडमी प्लस के लर्नर्स हैं। ओके, तो आप उसको प्लेटफॉर्म पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस पे करने में दिक्कत है तो आप मंथली पेमेंट ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप मंथली पेमेंट विदाउट एनी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स थैंक यू सो मच।